हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक ड्रॉपडाउन लिस्ट दूसरे ड्रॉपडाउन लिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम में मैंने लिखा है ब्रेकफास्ट आइटम्स और दूसरे कॉलम में लिखा है लंच आइटम्स और तीसरे कॉलम में लिखा है डिनर आइटम्स। यहाँ पे अब हम सेलेक्ट करेंगे A2 सेल से लेके A9 सेल तक। बाद में हम लोगों को यहाँ पे ईच कॉलम का नाम सेलेक्ट करना है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें हम लेफ्ट कॉलम हटा देंगे, सिर्फ टॉप रो को रहने देते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं ओके। ये वाला मैंने क्यों किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं A3 सेल से लेके A9 सेल तक सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम बॉक्स में ब्रेकफास्ट आ गया, क्योंकि हम लोगों को इसको ग्रुप बनाना था। इसका ग्रुप का नाम है ब्रेकफास्ट, तो नेक्स्ट फूड आइटम का ग्रुप का नाम है लंच, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे इस फूड आइटम का नाम है डिनर। यहाँ पे मैं भी E3 सेल सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे डेटा और यहाँ पे डेटा टूल्स के अंदर डेटा वैलिडेशन है, तो इसके सेटिंग्स के अंदर अलाउ के अंदर हम लोग लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सोर्स के अंदर हम लोग सिर्फ हेडर सेलेक्ट करेंगे जो A2 सेल से लेके C2 सेल तक है। बाद में हम क्लिक कर देंगे ओके के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे हम लोगों को स्मॉल ड्रॉप डाउन एरो मार्क दिखा रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करते ही देख सकते हैं ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। मैं ब्रेकफास्ट क्लिक करते ही इस कॉलम में मुझे ये सारे फूड आइटम्स ब्रेकफास्ट आइटम्स आ जाने चाहिए। उसी तरह यहाँ पे मैं जब भी सेलेक्ट करूँगा लंच, लंच के आइटम्स आ जाने चाहिए, डिनर सेलेक्ट करूँगा तब डिनर के आइटम्स यहाँ पे आ जाने चाहिए। मैं अभी F3 कॉलम सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे फिर से हम जाएंगे डेटा और डेटा टूल्स के अंदर डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे अलाउ के अंदर हम लोग सेलेक्ट करेंगे लिस्ट और बाद में यहाँ पे सोर्स में हम लिखेंगे एक इनबिल्ट फंक्शन, उसका नाम है इनडायरेक्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू इनडायरेक्ट और राउंड ओपनिंग ब्रेस। हम लोग सेलेक्ट करेंगे E3 सेल को और क्लोजिंग ब्रैकेट डाल के यहाँ पे ओके कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट सेलेक्ट किया है। आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर सारे ब्रेकफास्ट आइटम जो यहाँ पे है वही दिखा रहे हैं। उसी तरह हम लोग फिर से फर्स्ट कॉलम में जाएंगे, अब सेलेक्ट करेंगे लंच और इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे लंच के आइटम्स यहाँ पे आ गए। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे डिनर को सेलेक्ट करेंगे, डिनर सेलेक्ट करते ही पूरे डिनर के आइटम्स यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गए। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, फिर से हम मिलेंगे अगले वीडियो में।